व्हाट्सअप गाइस, हमारे टीआरबी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी वो विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नज़र में जानेंगे, कुछ स्टोरी भी बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके हैं उनके वर्क जो उसकी चर्चा की जाएगी। तो कंप्लीट आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक छोटी वीडियो में जान जाएंगे। आगामी जो भी आप इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछे जाते हैं, क्योंकि राइटर्स के बारे में एक छोटी छोटी चीज़ जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात कर लेते हैं और इसको आसान भाषा में बताया जाएगा, ताकि जो अभी तक नहीं समझे हैं, बहुत सारी वीडियो आप देख लेंगे, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस किए रहें, ताकि इस प्रकार की वीडियो चैनल पर आपको पर डे मिलती रहेगी और उसको नोट डाउन करते रहें। बाकी बाद में जो है क्वेश्चन आंसर पीडीएफ वगैरह फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का जो जन्म होता है, पहले बर्थ के बारे में जान लेते हैं। बर्थ जो इनकी होती है, डेट एग्जैक्ट जो है 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो प्लेस ऑफ बर्थ में जो इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो से बोलते हैं काकर माउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में। तो काकर माउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में जो है इनकी जो है बर्थ होती है, तो ये कम्बरलैंड इंग्लैंड यहाँ पे इनका बर्थ होता है। अब जो है जान लेते हैं जो है इनके जो है मृत्यु के बारे में, क्योंकि डेथ और बर्थ दोनों पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो जो 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ होती है। एज जो रहती है उस समय जो है 80 वर्ष इनकी उम्र रहती है जब इनकी डेथ हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और इनका पेशा जो रहता है वो कवि रहते हैं पेशे के तौर पे, तो इनका वर्क जो है वो पोएट के तौर पे कार्य करते हैं। और उसके बाद जो इनके पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम जो रहता है वो जॉन वर्ड्सवर्थ रहता है। तो इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ हैं। और इनकी माता का जो नाम रहता है, उनकी माता रहती है एनी वर्ड्सवर्थ। तो इनकी माता का जो है एनी वर्ड्सवर्थ, इनको जो है कोक्सन भी बोलते हैं कोक्सन। तो एनी वर्ड्सवर्थ अगर आएगा तो ऑप्शन उसको करिएगा, अदरवाइज जो है अगर कोक्सन दिया रहेगा तो वो भी जो है सही होगा। तो ये वर्ड्सवर्थ है और ब्रैकेट में इसके जो कोक्सन कहा जाता है, तो कोक्सन इनकी माता का ही नाम था। तो ये चीज़ों के अब इनकी जो वाइफ रहती हैं, इनकी वाइफ का जो नाम रहता है मैरी हचिनसन रहती है इनकी वाइफ। तो वाइफ जो रहती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये जान लेते हैं मैरी हचिनसन रहती हैं, HUTCHINSON हचिनसन रहती है इनकी वाइफ मैरी हचिनसन। और इनके फ्रेंड्स रहते हैं कोलरिज। तो ये चीज़ें जो है पोएट की छोटी सी चीज़ें जाना। उसके बाद जो इनकी बेटी रहती है डोरा वर्ड्सवर्थ नाम रहता है। और शिक्षा जो इनकी होती है कैम्ब्रिज में होती है, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। और स्वच्छंदवाद के लिए जो है इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो नेशनलिटी रहती है वो ब्रिटिश के रहते हैं पोएट। अब इनके बारे में जान लेते हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी आपको बताते हैं, बहुत कुछ आप इसमें समझने जाएंगे जो स्टोरी सुन लेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक प्रसिद्ध जो है इंग्लिश पोएट हैं, और सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ जो है ये एक प्रकाशन में काम करते हैं लिरिकल बैलेट से जो होता है। तो वो ड्यूरेशन जो रहता है 1798 का रहता है। उसके बाद जो है इसको रोमांटिक युग को देखा जाए तो लॉन्च करने में काफ़ी मदद रहती है। इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए जिसकी चर्चा आगे की वीडियो में भी करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के जन्म के बारे में आप जानेंगे, जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। और विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पिता रहते हैं, ये प्रथम जो अर्ल जेम्स के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। इनकी माता पिता के 5 संतानों में से जो दूसरी संतान के तौर पर जो रहते हैं ये रहते हैं। और विलियम की जो वर्ड्सवर्थ की बहन रहती हैं उनका नाम रहता है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो ये एक कवि रहती हैं और डायरी लेखक भी रहती हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनके 3 अन्य भाई बहन रहते हैं, जिसमें रिचर्ड सबसे बड़े रहते हैं जो कि लॉयर रहते हैं यानी एडवोकेट रहते हैं। जॉन डोरोथी के बाद जो है 1805 में जो है क्रिस्टोफर जो सबसे कम उम्र के थे। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे 7 वर्ष के जब ये थे तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद 13 वर्ष जब थे तो इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो वर्ड्सवर्थ के जो माता पिता थे दोनों जो 15 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो इनके जैसे कि भाई बहन 4 रहते हैं, तो उन्हीं की देखरेख में जो है रिश्तेदारों की देखरेख में विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो लेक डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में जो हॉक्सेट गाँव रहता था, वहाँ व्याकरण के स्कूल में ये पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया में 1787 का पीरियड आता है, यानी कि 1787 का पीरियड है। अपने अंकल उंकल की मदद से फिर जाके कैम्ब्रिज के सेंट जॉन कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है 1791 के पीरियड में इनको जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की जो है डिग्री प्राप्त होती है। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1790 के ड्यूरेशन में जो होता है, तो उसी पीरियड में जो है इसी पीरियड में वो गए थे वहाँ पे, फ्रांस का भी जो दौरा किए थे। उसके बाद जब फ्रांस से जब वापस आते हैं तो एक लेडी रहती है एनेट वॉलेंस से जो है इनको जो है प्यार हो जाता है। और फिर उसके बाद जो प्रेगनेंट हो जाती है, फिर जाके जो इससे बेटी का जन्म होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बेटी का नाम रहता है कैरोलिन। उसके बाद जो है 1793 यानी कि 1793 के पीरियड में जो होता है पहली पुस्तक जो रहती है एन यूनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच जो प्रकाशित होती है। तो एन यूनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच नाम की जो है ये जो स्केच रहता है ये पुस्तक जो प्रकाशित होती है। उसके बाद जो है 1795 का जो ड्यूरेशन रहता है, इस ड्यूरेशन में वर्ड्सवर्थ और जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज से जो इनकी मुलाकात होती है, जो इनके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं कॉलरिज, इनसे जो मुलाकात होती है तो दोनों जो है दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद जो लिरिकल बैलेट की बात शुरुआत में किए थे, लिरिकल बैलेट, तो ये सन याद रखिएगा, इस ड्यूरेशन में जो है 1798 के पीरियड में इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था। कौन? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं किसमें, 1798 में लिरिकल बैलेट से। उसके बाद जो है 1802 यानी कि 1802 के पीरियड में जो है इनकी बचपन की दोस्त जो थी हचिनसन, तो हचिनसन से इनकी शादी हो जाती है किस वर्ष में, 1802 में वर्ड्सवर्थ साहब की शादी हो जाती है हचिनसन से। फिर इनके बाद 5 बच्चे होते हैं, उसमें जो है अलग अलग नाम रहता है, जॉन वर्ड्सवर्थ रहते हैं, डोरा वर्ड्सवर्थ रहते हैं, थॉमस वर्ड्सवर्थ रहते हैं, कैथरीन वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे जो 2 छोटे बच्चे थे एक ही वर्ष में मर जाते हैं। उसके बाद जो है थॉमस 6 वर्ष का जाता है और 3 वर्ष की जो है कैथरीन रहती है।
आगे के काम में विलियम वॉर्डसवर्थ जो है के बारे में बताएं, तो विलियम वॉर्डसवर्थ द्वारा जो वर्क किया गया था, तो द प्रील्यूड थी विलियम वॉर्डसवर्थ की, द प्रील्यूड ये इंपॉर्टेंट इस सब चीज़ को ध्यान, द प्रील्यूड इनके द्वारा वर्क किया गया था, उसके बाद द रेनबो इनके द्वारा वर्क किया गया था, और वर्क किया गया था पील्स कैस्टल में भी वर्क इनके द्वारा किया गया था, और इनके द्वारा जो विलियम वॉर्डसवर्थ द्वारा द वर्ल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द वर्ल्ड इज टू मच अस, इसको भी विलियम वॉर्डसवर्थ के द्वारा जो है तो मच अस होगा ये। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तो द डेफोडिल्स है, काफी से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं भी एक दो क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेते हैं, डेफोडिल्स है। उसके बाद जो है इनके बाद जो है द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की जो बात अभी कर रहे थे, तो डिस्क्रिप्टिव जो है स्केचेस थी। उसके बाद जो है इनके द्वारा जो किया गया था पीटर बेल पे भी वर्क किया गया था, और उसके बाद टू ए स्काई लार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में जो है बनते हैं स्काई लार्क से। उसके बाद टिंटन अबे से भी क्वेश्चन बनते हैं, टिंटन अबे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो है प्रीफेस टू, एक और है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये भी विलियम वॉर्डसवर्थ के द्वारा जो है वर्क किया गया। पोएट लॉरेट क्वेश्चन बनाए थे, पोएट लॉरेट ये हुए थे 1843 में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा पोएट लॉरेट जो हुए थे ये 1843-45 में हुए थे, जो भी बोल लें। उसके बाद जो है और इनका जो वर्क हुआ था ऑड टू ड्यूटी पे हुआ था वर्क, और उसके बाद जो है टिंटन अबे के बारे में चर्चा हो गई है। उसके बाद जो है इनके द्वारा जो किया गया था एक और वर्क किया गया थ्री ईयर्स सी ग्रीव, ये भी वर्क किया गया था वॉर्डसवर्थ साहब के द्वारा। उसके बाद जो डेफोडिल्स की भी चर्चा हो गई, टू मिल्टन इस पर भी वर्क किया गया था इनके द्वारा। कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर एमांग, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में, तो ये 50 इयर्स एमांग जो वर्ड्सवर्थ लिव्ड रहते हैं तो इस चीज़ में कम्बरलैंड डलेसमैन में रहते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ से, प्रील्यूड जो थी, जो प्रील्यूड किस वर्ष में जो है, प्रील्यूड के बारे में पूछा गया था कब लिखे थे ये, तो प्रील्यूड का ईयर्स जो वो जान लीजिए 1805 का था, और प्रील्यूड जो था एक इंप्रेशन मेड अपॉन द वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीएस्ट रीक कलेक्शन, ये उसके बारे में है। उसके बाद जो विलियम वर्ड्सवर्थ एक क्वेश्चन और पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें पूछा गया था कि जो है लिरिकल बैलेट्स कंप्रेसाइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ, तो एक और जो भी बता रहे थे बार बार, तो वो कोलेरिज थे, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इन जो है ग्लांस जो ऑथर्स एंड ग्लांस की जो वीडियो पढ़ रही, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको मिल जाएंगे इसी तौर पर एक छोटी सी वीडियो में, और वीडियो ये होता है कि थोड़ा सा बताने में जो है नियर अबाउट 10 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो पेशेंस के साथ थोड़ा देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो बना था कि जो फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेट्स अपीयर जो हुआ था, जिस ईयर की चर्चा भी पहले की थी, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा 1798 के ड्यूरेशन में हुआ था। और प्रीलूड के बारे में क्वेश्चन जो बनता है, तो क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि विच पोएम ऑफ विलियम वॉर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, तो वहां पे जो है प्रीलूड, और प्रीलूड के ईयर्स के इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि काफी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो प्रीलूड का ईयर जो होगा 1805, इस चीज को जो है ध्यान दीजिएगा। और जो है जो लिरिकल बैलेट का ईयर उसकी भी चर्चा कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस की एक आपको अलग से वीडियो जो है प्रोवाइड की जाएगी, और ये अभी जो है आथर के ग्लांस के बारे में चर्चा और ग्लांस के बारे में, तो उसकी वीडियो आपको मिलेगी। फिर उसके बाद अगर स्टोरी आपको समझ में आ गई इतनी तो ठीक है, नहीं तो और डिटेल में स्टोरी जो है एक एक पर्टिकुलर बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम ओरिएंटेड, तो बड़ा पेशेंस के साथ जो है आप वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। और अभी तक नहीं समझ में आएगा तो इसी तौर पर जो आपको समझ में अब आने लगेगा, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो चाहे लिटरेचर का पार्ट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।